So today we are going to discuss retina. The first topic is age-related macular degeneration. It is a degeneration of macula because of aging. So it is common in people over 55 and it is the leading cause of irreversible blindness in developed country. The cause is sclerosis of the arteries that nourishes retina. Wo arteries jo retina ko blood supply kar rahi hai unki sclerosis ho jaye. There are two types, exudative और नॉन एग्जीडेटिव. एग्जीडेटिव वो होती हैं जिसमें जिनमें नई वेसल्स बन रही होती हैं. एज यू कुड सी हेयर इन वेट मैक्यूलर डिजेनरेशन देयर आर फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेसल्स. एज कम्पेयर टू ड्राई मैक्यूलर डिजेनरेशन देयर आर स्मॉल येलो स्पॉट्स. दिस स्मॉल येलो स्पॉट्स इज बेसिकली नोन एज ड्रूसिन. ब्रूश मेम्ब्रेन एक होती है, उस मेम्ब्रेन की डिजेनरेशन की वजह से ये स्पॉट बनते हैं, डैट इज नोन एज ड्रूसिन. द सिम्टम्स ऑफ एज रिलेटेड मैक्यूलर डिजेनरेशन इज डिमिनेशन ऑफ विजन एंड मेटामॉर्फेजिया. वॉट इज मेटामॉर्फेजिया? मेटामॉर्फेजिया इज द स्ट्रेट लाइन अपियरिंग वेवी. द साइंस आर ड्रूसन ऑफ ब्रूश मेम्ब्रेन एंड जर्नलाइज पिगमेंट्री ग्रेनुलरिटी. ट्रीटमेंट अगर वेट टाइप है, वेट टाइप में क्योंकि नई वेसल्स बन रही थी तो हम उसको देते हैं फोटोकॉगुलेशन ऑफ कोरॉइडल न्यू वेस्कुलर मेम्ब्रेन एंड एंटी वी जी एफ थेरेपी ताकि नई वेसल्स ना बने. एंड फॉर ड्राई टाइप द ट्रीटमेंट इज एंटी ऑक्सीडेंट एंड यू हैव टू अवॉइड स्मोकिंग. तो वेट की अलग ट्रीटमेंट है क्योंकि वेट में नई वेसल बन रही थी, सो वी गिव द थिंग्स दैट स्टॉप न्यू वेसल फॉर्मेशन. एंड फॉर ड्राई वी गिव एंटी ऑक्सीडेंट एंड वी आस्क देम टू अवॉइड स्मोकिंग. मायोपिक मैकुलर डिजेनरेशन. मायोपिक मैकुलर डिजेनरेशन क्या है? एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन एज की वजह से होती है. मायोपिक मैकुलर डिजेनरेशन क्यों होता है? क्योंकि इसमें आई बॉल इलोंगेट होते रहते हैं. अगर आप किसी चीज़ को खींचते रहो, कंटिन्यूसली खींचते रहो, तो पहले उसमें स्ट्रेच मार्क आ जाते हैं, फिर ऑब्वियसली वो डीजेनरेट होना शुरू हो जाती है. तो मायोपिक मैक्यूलर डिजेनरेशन इज बिकॉज ऑफ द सेम थिंग. इट इज ड्यू टू प्रोग्रेसिव इलोंगेशन ऑफ द आई. द करेक्टरिस्टिक फंडोस्कोपिक फाइंडिंग इज लेक्यूर क्रैक. लेक्यूर क्रैक इज बेसिकली पेरी पेपिलरी कॉरियो रेटिनल एट्रोपी एंड ब्रेक्स इन द ब्रूश मेम्ब्रेन. ये जो आपको लाइन्स नज़र आ रही हैं, ये जो क्रैक नज़र आ रहे हैं ये येलो येलो बीच में, दे आर लेक्यूर क्रैक. एंड यू विल सी फूश स्पॉट. ठीक है, वहाँ पे आपको क्या मिल रहा था? मायोपिक में ड्रूसिन मिल रहे थे. एज रिलेटेड में यू आर गेटिंग ड्रूसिन. इन मायोपिक मैक्यूलर डिजेनरेशन यू आर गेटिंग फूश स्पॉट. द डायग्नोसिस इज फ्लोरो स्कैन एंजियोग्राफी विल शो डिलेड फिलिंग ऑफ कोरियो कैपिलरीज बिकॉज कोरियो कैपिलरीज हैव बीन एट्रोफीड. सो देयर विल बी डिलेड फिलिंग ऑफ कोरियो कैपिलरीज एंड ट्रीटमेंट इज एंटी वी जी एफ. नाउ वी टॉक अबाउट वन ऑफ द मोस्ट एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक, दैट इज डायबिटिक रेटिनोपैथी. डायबिटिक रेटिनोपैथी इज वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस. फॉर टाइप वन यू हैव टू स्क्रीन एवरी 3 ईयर्स एंड फॉर टाइप टू यू हैव टू स्क्रीन एवरी ईयर. द स्क्रीनिंग फॉर स्क्रीनिंग द गोल्ड स्टैंडर्ड इज 7 फील्ड फोटोग्राफी. देर आर 3 टाइप्स, नॉन प्रोलिफेटिव रेटिनोपैथी, मैक्यूलोपैथी एंड प्रोलिफेटिव रेटिनोपैथी. नॉन प्रोलिफेटिव रेटिनोपैथी. नॉन प्रोलिफेटिव रेटिनोपैथी इज करेक्टराइज बाई स्मॉल वेसल डैमेज एंड ऑकलजन. वो छोटी वेसल जो रेटिना को सप्लाई कर रही है उनकी डैमेज हो गई, ऑकलजन हो गई. द अर्लीस्ट पैथोलॉजिकल साइन इज थिकनिंग ऑफ अ कैपिलरी इंडोथीलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन. कैपिलरी की जो इंडोथीलियम है डैट हैव गॉन थिकेंड एंड डिक्रीज इन नंबर ऑफ पेरीसाइट्स. पेरीसाइट्स वो सेल होते हैं जो बेसमेंट मेम्ब्रेन बनाते हैं. तो बेसमेंट मेम्ब्रेन में चेंजेस आ रही हैं. बेसमेंट मेम्ब्रेन की इंडो थीलियल कैपिलरी जो है वो थिक हो गई है एंड देयर इज डिक्रीज इन नंबर ऑफ पेरिसाइट्स. अदर फाइंडिंग आर माइक्रो एन्यूरिज्म एंड फ्लेम शेप हेमरेजेस. नाउ माइल्ड फॉर्म इज करेक्टराइज बाय एटलीस्ट वन माइक्रो एन्यूरिज्म. एटलीस्ट एक माइक्रो एन्यूरिज्म होना चाहिए. यहाँ पे देखो, ये रहा एक, ये रहा एक, ये रहा एक, ये नहीं, ये माइक्रो एन्यूरिज्म नहीं है. ये जो छोटे छोटे आपको रेड स्पॉट नज़र आ रहे हैं अलग से, दीज आर माइक्रो. सो दिस इज अ माइल्ड फॉर्म. मॉडरेट फॉर्म इज करेक्टराइज बाय एक्सटेंसिव माइक्रो ऑर्गे माइक्रो एन्यूरिज्म. बहुत सारे माइक्रो एन्यूरिज्म, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. इंट्रा रेटिनल हेमरेज. आपको रेटिना में हेमरेज नज़र आएगी. ये जो बड़ा सा आपको पूरा ब्रेड नज़र आ रहा है, दिस इज बेसिकली हेमरेज. यू विल सी वेनस ब्लीडिंग. इस पिक्चर में अनफॉर्चुनेटली वेनस ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं है. यू विल सी कॉटन वूल स्पॉट्स. कॉटन वूल स्पॉट्स आर बेसिकली जब हमारी नर्व डैमेज होती है तो एक्सोप्लाज्म से जो प्रोटीन निकलता है वो कॉटन वूल स्पॉट बनाते हैं. तो ये जो येलो येलो स्पॉट अंदर आ रहे हैं, दीज आर बेसिकली कॉटन वूल स्पॉट. तो दिस इज मॉडरेट फॉर्म. एंड इन सीवियर फॉर्म यू विल सी कॉटन वूल स्पॉट. कॉटन वूल स्पॉट आपको नजर नहीं आएंगे क्योंकि
पूरे का पूरा जो है वो ब्लीड हुआ हुआ है। तो ये जो बड़े बड़े जो आपको हैं बेसिकली दैट्स इंट्रा रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एन्यूरिज्म, ये मैक्रोवेस्कुलर एन्यूरिज्म, ये पूरे पूरे मैक्रोवेस्कुलर एन्यूरिज्म्स हैं। सो इट्स वेरी इजी टू डिफ्रेंशिएट माइल्ड फॉर्म सिर्फ माइक्रो एन्यूरिज्म है, मॉडरेट फॉर्म में देयर इज येलो स्पॉट दैट इज कॉटन वूल स्पॉट प्लस माइक्रो एन्यूरिज्म, एंड इन सीवियर फॉर्म यू विल हैव मैसिव इंट्रा रेटिनल मैक्रो वेस्कुलर एन्यूरिजम्स। मैक्यूलोपैथी, मैक्यूलोपैथी इज फोकल और डिफ्यूज रेटिनल थिकनिंग, ठीक है जी, इट्स बेसिकली रेटिनल थिकनिंग। ये होती क्यों है, दिस इज बिकॉज ऑफ द ब्रेक डाउन ऑफ अ इनर ब्लड रेटिनल बैरियर एट द लेवल ऑफ रेटिनल कैपिलरी इंडोथीलियम, जो ब्लड रेटिनल बैरियर होता है वो टूट जाता है। मैक्यूलोपैथी इज मोर कॉमन इन टाइप टू। हमें कैसे पता है कि ये मैक्यूलोपैथी है भाई, सॉरी, हमें अब इसको देखो और नॉर्मल से कंपेयर करो। नॉर्मल जो होता है दैट्स लाइक अ कप, दिस इज वेरी फ्लैट, सो दिस इज हाउ यू टेल इस मैक्यूलोपैथी। तो मैक्यूलोपैथी अब सिग्निफिकेंट कब कहलाती है, व्हेन रेटिनल थिकनिंग इज विद इन 500 माइक्रोन ऑफ फोविया, हार्ट एग्जीक्यूट विद इन 500 माइक्रोन ऑफ फोविया, या रेटिनल थिकनिंग ग्रेटर देन 1 डिस्क इन डायमीटर। तो बेसिकली अगर फोविया के अराउंड कुछ भी हो रहा है तो मैक्यूलोपैथी सिग्निफिकेंट हो जाएगी, या इतनी ज़्यादा थिकनिंग हो रही है कि वो 1 डिस्क डायमीटर के बराबर है तो वो सिग्निफिकेंट हो जाएगी। सिग्निफिकेंट मैक्यूलोपैथी बेसिकली वो मैक्यूलोपैथी होती है जिसको यू हैव टू ट्रीट, तो दैट इज वाई वी आर सेइंग सिग्निफिकेंट। सो व्हेन वी कॉल इट सिग्निफिकेंट, व्हेन रेटिनल थिकनिंग इज विद इन द 500 माइक्रॉन्स ऑफ फोविया, व्हेन हार्ट एग्जीक्यूट आर विद इन द 500 माइक्रॉन ऑफ फोविया, एंड व्हेन द रेटिनल थिकनिंग इज ग्रेटर देन 1 डिस्क, प्रोलिफ्रेटिव रेटिनोपैथी। प्रोलिफ्रेटिव रेटिनोपैथी इज प्रोग्रेसिव रेटिनल इस्कीमिया दैट स्टिमुलेट फॉर्मेशन ऑफ डेलिकेट न्यू वेसल दैट लीक्स प्रोटीन। बेसिकली रेटिना का इतना ज़्यादा इस्कीमिया हो गया कि उसने नई वेसल बनाना शुरू कर दिया, वो नई वेसल लीक होना शुरू हो गई। जब फ्रेजाइल न्यू वेसल बनती है तो वो पोस्टियर सरफेस में प्रोलिफ्रेट करती है, जब वो पोस्टियर सरफेस में प्रोलिफ्रेट करती है तो वो विट्रस को थोड़ा सा उठा देती है, और जब विट्रस को वो उठाती है तो वो रेटिना से थोड़ा सा अलग होना शुरू हो जाता है, और फिर जब वो रेटिना से अलग होना शुरू हो जाता है तो वहाँ पे फाइब्रस बैंड बनती है, ट्रैक्शन बनता है, एंड इवेंचुअली वो फाइब्रस बैंड कम्प्लीटली बर्न आउट कर जाती है, सारी वेसल्स को कम्प्लीटली ख़त्म कर देती है, एंड दैट स्टेज इज नोन एज इन्यूवलेशन स्टेज। स्टार्ट कैसे हुआ प्रोलिफ्रेटिव रेटिनोपैथी, इस्कीमिया, इस्कीमिया से नई वेसल्स बनी, नई वेसल्स ने लीक हुआ, वो लीक पोस्टीरियर विट्रस ह्यूमर में गया, उसकी वजह से पोस्टीरियर विट्रस ह्यूमर रेटिना से दूर होने लगा, जब वो रेटिना से दूर होने लगा तो उसने फाइब्रोसिस की, फाइब्रोसिस की वजह से ट्रैक्शन आई, ट्रैक्शन ने वेसल्स को डिस्ट्रॉय किया, एंड जब वेसल ड्राई हो गई तो आपकी आई कंप्लीटली बर्न आउट हो गई, एंड दैट स्टेज इज नोन एज इन्वोल्यूशनल स्टेज। अब ये देखो ये बड़े बड़े येलो येलो, आपको कोई वेसल, कोई प्रोमिनेंट वेसल नहीं नज़र आ रही, कोई ब्लीड नहीं नज़र आ रही, जिसको हम लोग नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हैं आई की और वो यूज़ करते हैं कि आपकी आंखें सूख गई हैं, वो आंखें सूखना बेसिकली इसी को कहते हैं कि कोई भी वेसल सिग्निफिकेंट नहीं है, येलो येलो कंप्लीट येलो येलो, बेसिकली एक्सोप्लाज्म हर जगह पड़ा हुआ है, येलो स्पॉट्स हैं, पेलनेस है, दैट इज प्रोलिफेरेटिव रेटिनोपैथी। तो इट्स वेरी इजी टू डिफ्रेंशिएट ऑल टाइप ऑफ डायबिटिक, जो कि आपके सवालों में आती है, बहुत अच्छा स्ट्रक्चर है, कंप्लीट वेसल्स नज़र आ रही है, सिर्फ माइक्रो एन्यूरिज्म है माइल्ड, अच्छा स्ट्रक्चर, वेसल्स अच्छी तरीके से बनी हुई हैं, माइक्रो एनिजरम के साथ येलो स्पॉट्स, मॉडरेट फॉर्म, वेसल्स अभी भी प्रॉपरली बनी हुई हैं, वेसल्स को कुछ नहीं हुआ, लेकिन बड़े बड़े मैक्रो वेस्कुलर एनिजरम आ गए, नॉन प्रोलिफ्रेटिव, वेसल्स अभी भी नॉर्मल है लेकिन काफ़ी ज़्यादा रेडिश है, काफ़ी ज़्यादा रेटिना थिक लग रहा है, थिक महसूस हो रहा है, दैट्स मैक्यूलोपैथी, वेसल्स ख़त्म हो गई है, कोई पैटर्न नहीं है वेसल्स का, येलो कंप्लीट येलो येलो हुआ हुआ, दैट इज प्रोलिफ्रेटिव रेटिनोपैथी। द ट्रीटमेंट ऑफ नॉन प्रोलिफेरेटिव रेटिनोपैथी इज टू कंट्रोल डायबिटीज, हाइपरग्लाइसेमिया एंड हाइपरकोलेस्ट्रेमिया। फॉर मैक्यूलोपैथी यू, अगर फोकल मैक्यूलोपैथी सिर्फ एक जगह में, तो यू यूज़ फोकल फोटो कॉगुलेशन, अगर डिफ्यूज है तो यू यूज़ ग्रिड लेजर। फॉर प्रोलिफेरेटिव रेटिनोपैथी, क्योंकि उसमें नई वेसल बन रही थी, तो यू यूज़ पैन रेटिनल फोटो कॉगुलेशन। एडवांस डायबिटिक डिजीज, एडवांस डायबिटिक डिजीज़ वो डिजीज़ है जो हमने प्रोलिफेरेटिव में पढ़ी थी, वो स्टेज जब पोस्टीरियर विट्रस ह्यूमर
रेटिना से अलग होना शुरू हो जाए उसको फिर हम एडवांस डायबिटिक डिजीज बोलते हैं। उसमें हमको विट्रो रेटिनल सर्जरी भी करनी है ताकि रेटिना को दोबारा जोड़ सकें विथ फोटोकॉगुलेशन टू स्टॉप फॉर्मेशन ऑफ न्यू वेसल्स। रेटिनोब्लास्टोमा अगेन वेरी कॉमन टॉपिक इन एग्जाम। इट इज़ कॉमन इन टू एज ग्रुप। इट इज़ ऑटोसोमल डोमिनेंट, यूनिलेटरल होता है, पर 2 to 5% केसेस में बाइलेटरल भी हो सकता है। इट ओरिजिनेट फ्रॉम न्यूरोसेंसरी एपिथीलियम। हिस्टोलॉजी में आपको क्या क्या मिलेंगे? फ्लेक्सर विनिस्टर रोजेटे, जो कि बेसिकली फ्लावर लाइक अरेंजमेंट होती है। होमर राइट रोजेटे, जो कि स्मॉल ब्लू शेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। सीडो रोजेटे, जो कि फ्लावर लाइक होते हैं लेकिन ट्रू फ्लावर नहीं होते। तो ये हिस्टोलॉजी में आपको ये 3 चीज़ें मिलती हैं, फ्लेक्सर विंस्टर रोजेटे, होमर राइट रोजेटे एंड सीडो रोजेटे। सिम्टम्स में ल्यूकोकोरिया मिलता है, दैट इज वाइट प्यूपल। अक्सर आपकी ऑस्टियो में सवाल आता है वाइट प्यूपल के आप डिफरेंशियल डायग्नोसिस बताएं, तो वाइट प्यूपल के डिफरेंशियल डायग्नोसिस आप वही लिख दोगे जो रेटिनोब्लास्टोमा के डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। कन्वर्जन स्क्विंट होता है, पेन होता है, निस्टिग्मिसिस होता है, एनलार्जमेंट ऑफ ग्लोब होता है। देर आर 4 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज इज क्विंसेंट स्टेज। क्विंसेंट स्टेज वो स्टेज होता है जिसमें सिर्फ ल्यूकोकोरिया होता है। ग्लैकोमेटस स्टेज वो होता है जिसमें पेन होना शुरू होता है। एक्स्ट्रा ऑक्यूलर एक्सटेंशन वो होता है जिसमें आपका ऑर्बिट की तरफ फैलना शुरू हो जाता है। मेटास्टेसिस, जब वो पूरे ऑर्बिट को डिस्ट्रॉय कर देता है। द डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा बेसिकली ये वो सब हैं जिनमें ल्यूकोकोरिया होता है, कंजिनाइटल कैटेरैक्ट, सीडो ग्लियोमा, टीबी ऑफ कोरॉइड, टॉक्सोकोरा, रेटिनोलेट्रा फिब्रोप्लेसिया। तो अगर रेटिनोब्लास्टोमा के डिफरेंशियल डायग्नोसिस पूछे तो भी ये आंसर है, और अगर ल्यूकोकोरिया का पूछे तो भी यही आंसर है, बस इसमें आप रेटिनोब्लास्टोमा फिर ऐड कर दोगे। इफ़ यू टॉक अबाउट डायग्नोसिस, डायग्नोसिस इज रेस इंट्राऑक्यूलर प्रेशर, रेस लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेसिस, फॉस्फोग्लूकेज एंड आइसोमेरेस, एक्सरे विल शो कैल्सिफिकेशन। डेफिनेटिव डायग्नोसिस सीटी स्कैन एंड एमआरआई में होती है। ट्रीटमेंट डिपेंड्स अपॉन द स्टेज। अगर स्टेज 1 एंड 2 यानी कि सिर्फ पेन हो रहा है, सिर्फ ल्यूकोकोरिया हो रहा है, तो आप इन्यूक्लेशन कर देते हो, आई को निकाल देते हो। फॉर स्टेज 3 यू यूज एक्सटेंशन जिसमें आप ऑर्बिट को भी रिमूव कर देते हैं, और फॉर स्टेज 4 आप रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी करते हैं। अगर रेटिनोब्लास्टोमा 3 मिलीमीटर से कम है तो आप इसको सिंपली फोटोकॉगुलेशन से भी ट्रीट कर सकते हो। तो इसके स्टेजेस के 4 सवाल आ गए। या तो अगर सिर्फ वो बोल रहे कि बच्चे को रेटिनोब्लास्टोमा है और अभी जो सिम्टम है वो सिर्फ और ल्यूकोकोरिया है, पेन है, तो आप सिंपली इन्यूक्लेशन करोगे, रिमूवल ऑफ आई करोगे। अगर वो ऑर्बिट पे फैल गया है तो यू विल डू रिमूवल ऑफ ऑर्बिट, एंड इफ स्टेज 4 जिसमें मेटास्टेसिस हो गई है देन यू विल डू कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी, और अगर वो less than 3 mm है देन यू विल डू फोटोकॉगुलेशन बाय एर्गॉन लेजर। रेटिनल वेन ऑक्लूजन, हाउ डू यू रिकग्नाइज दिस इज रेटिनल वेन ऑक्लूजन? यू विल सी स्कैटर्ड रेटिनल हेमरेज। या देखो स्कैटर्ड ऐसे लग रहा है, रेटिनल हेमरेज सब फैले हुए हैं बिल्कुल। एंड यू विल सी कॉटन वूल अपेयरेंस, वही कॉटन वूल अपेयरेंस जो आप नॉन प्रोलिफेटिव डायबिटिक में पढ़ के आए, ये येलो स्पॉट्स। सो येलो स्पॉट विथ स्कैटर्ड रेटिनल हेमरेज इज रेटिनल वेन ऑक्लूजन। रेटिनल वेन ऑक्लूजन का जब भी सवाल आएगा तो पेशेंट को कोई ना कोई कार्डियक सिम्टम दिए हुए होंगे, या तो उसको हाइपरटेंशन होगा या उसको पहले हार्ट अटैक हुआ हुआ होगा। तो पेशेंट ओवर 50 एंड मोर देन 50% हैव सीवीएस कॉम्प्लिकेशंस। द मेजर कॉम्प्लिकेशन ऑफ रेटिनल वेन ऑक्लूजन इज मैक्युलर एडिमा। इसमें मैक्युलर एडिमा होता है, जैसे कि मैक्युलोपैथी में भी मैक्युलर एडिमा हो रहा था, इसमें भी मैक्युलर एडिमा होता है। आयरिस इन रेटिनल न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है। मैक्युलर एडिमा ड्यू टू सेंट्रल रेटिनल वेन डजेंट रिस्पॉन्ड टू लेजर। इन ब्रांच रेटिनल वेन वी यूज ग्रिड एंड फोकल एर्गॉन लेजर। ग्रिड एंड फोकल एर्गॉन लेजर अगर आपको याद हो मैक्युलोपैथी के लिए भी यूज़ कर रहे थे। और अगर आयरिस न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही है तो हम उसको ऐसे ट्रीट करते हैं जैसे अब तक हम सारी न्यू वेस्कुलराइजेशन को ट्रीट करते हुए आ रहे हैं, बाय फोटोकॉगुलेशन। रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन, रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन में यू विल हैव ट्रांजिएंट लॉस ऑफ विजन, बट द सेंट्रल विजन विल रिमेन प्रिजर्व्ड बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा ब्लड सप्लाई फ्रॉम सीलियो रेटिनल ब्लड फ्लो। इसकी डायग्नोसिस कैसी होगी? इसकी डायग्नोसिस होगी चेरी रेड स्पॉट एट फोविया, चेरी रेड स्पॉट एट फोविया। इसकी ट्रीटमेंट हम इंटीरियर चैम्बर पैरासिंथेसिस करते हैं, इंटीरियर चैम्बर को थोड़ा सा मसाज करते हैं ताकि क्लॉट निकल जाए। आई वी एदर
जोलामाइड देते हैं जो आईओपी को डिक्रीज करते हैं, इंट्राओकुलर प्रेशर को डिक्रीज करता है, तो भी जो है वो थ्रोम्बस निकल जाते हैं। इनहेल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड मिक्सचर, ये भी वही काम करता है, वेसो डायलेशन कराता है ताकि आपका थ्रोम्बाइड निकल जाए। रेटिनोपैथी ऑफ प्री मेच्योरिटी, ये वो है बच्चा प्री मेच्योर पैदा हुआ, आपने उसको 100% ऑक्सीजन पे रखा फॉर डेवलपमेंट ऑफ लंग, अब उसको आदत हो गई है बॉडी को 100% ऑक्सीजन में रहने की, आपने जैसे ही रिमूव की 100% ऑक्सीजन और नॉर्मल हमारे इन्वायरमेंट में 97% ऑक्सीजन है, तो उसको लगेगा कि हाइपोक्सिया हुआ हुआ है और वो एंटी वीजीएफ बनाना शुरू करेगा, और जब एंटी वीजीएफ बनाना शुरू करेगा तो न्यू वेस्कुलराइजेशन होती है, सबसे ज़्यादा ब्रोंकस में होती है एंड आई में होती है। तो इसकी स्टेजेस क्या होती हैं, सबसे पहले डिमार्केशन लाइन होती है, ये देखो एक स्पेसिफिक लाइन नज़र आ रही है जो बिल्कुल अलग कर रही है, इंट्रा रेटिनल रिज बनती है, उसके बाद वहाँ पे रिज बनती है, जहाँ पे रिज बनी है वहीं पे जो है वो वेस्कुलर प्रोलिफ्रेशन होती है, नई वेसल बनना शुरू होती है, जब नई वेसल बनती है तो रेटिना को आहिस्ता आहिस्ता डिटैच करती है, सब टोटल रेटिनल डिटैचमेंट एंड फाइनली कंप्लीट रेटिनल डिटैचमेंट। इफ यू टॉक अबाउट स्टेजेस, फॉर स्टेज वन एंड टू यू ओनली ऑब्जर्व, फॉर स्टेज थ्री एंटी वीजीएफ, एंड क्योंकि स्टेज फोर में रेटिना अलग होना शुरू हो गया तो विट्रो रेटिनल सर्जरी करते हैं हम। नाउ इफ यू टॉक अबाउट रेटिनल डिटैचमेंट, इट इज़ बेसिकली द डिटैचमेंट ऑफ सेंसरी रेटिना एंड रेटिनल पिगमेंट्री एपिथीलियम, दे आर थ्री टाइप, हेगमेंटस रेटिना डिटैचमेंट, हेगमेंटस रेटिना डिटैचमेंट इज बेसिकली अ फुल थिकनेस ब्रेक होती है, पूरे का पूरे रेटिना में ब्रेक आती है, आइदर मायोपिया की वजह से आई बॉल बड़ी होती गई जिसकी वजह से रेटिना अलग हो गई, लेटिस डीजेनरेशन, स्पेसिफिक कंजिडाइटल डीजेनरेशन होते हैं, एफेकिया, एब्सेंस ऑफ लेंस या ट्रॉमा की वजह से। इनकी कुछ टाइप्स होती हैं, हॉर्स शू सुपीरियर टेम्पोरल, ये देखो सुपीरियर टेम्पोरल है, ये ऊपर की तरफ है और बाहर की तरफ है, सुपीरियर टेम्पोरल है, अगर ये नीचे की तरफ इन्फीरियर टेम्पोरल होता तो हम उसको बोलते हैं एट्रॉफी, सॉरी उसको हम बोलते हैं रेटिनल डायलिसिस टाइप है, और अगर ये पूरा टेम्पोरल साइट डिटैच हो रहा होता है तो हम एट्रॉफी बोलते हैं, ये ऊपर की तरफ है सुपीरियर टेम्पोरल हॉर्स शू, इन्फीरियर टेम्पोरल रेटिनल डायलिसिस, पूरा टेम्पोरल दैट वुड बी एट्रॉफिक। इसकी जो ट्रीटमेंट है दैट इज न्यूमैटिक रेटिनोप्लास्टी, स्क्लेरल बकलिंग एंड पार्स प्लैना विट्रेक्टोमी, ट्रैक्शन रेटिनल डिटैचमेंट वो होती है जिसमें फिब्रोसिस होती है और फिब्रोसिस दोनों को अलग करता है, जैसे कि प्रोलिफेरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में हमने पढ़ा, जैसे कि हमने रेटिनोपैथी ऑफ प्री मैच्योरिटी में पीछे पड़ा, या ट्रॉमा में। सीरियस एंड हेमरेजिक रेटिनल डिटैचमेंट क्या होती है, जब ब्लड या फिर कोई भी सीरियस सीक्रेशन आ जाए और वो रेटिना को डिटैच कर दे। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा इज हेरिडिटरी डिसऑर्डर करेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव डिसफंक्शन ऑफ फोटो रिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर्स की डिसफंक्शन होना शुरू हो जाए, विथ प्रोग्रेसिव सेल लॉस एंड इवेंचुअल एट्रॉफी ऑफ सेवरल रेटिनल लेयर्स। जो सिम्टम्स होते हैं उसमें नाइट ब्लाइंडनेस होती है एंड ग्रेजुअली इंक्रीजिंग पेरिफेरल विजन लॉस, सेंट्रल विजन को कुछ नहीं होता, पेरिफेरल विजन को जो है वो लॉस होता है। इसको कैसे आप रिकग्नाइज करते हो, इसमें यू विल फाइंड एट्यूनेटेड रेटिनल आर्टरी और छोटी छोटी रेटिनल ब्लड वेसल, ये देखो रेटिनल वेसल कितनी पतली हुई हुई है, तो एट्यूनेटेड रेटिनल, यू विल हैव अ पेल ऑप्टिक डिस्क, यू विल हैव पिगमेंट रेटिनल पिगमेंट्री क्लेम, क्योंकि रेटिना की लेयर डीजेनरेट हुई, पिगमेंट इधर उधर फैला, वो आहिस्ता आहिस्ता कहीं कहीं जगह जम गया, उस जमने को हम बोलते हैं बोनी स्पेक्यूल फॉर्मेशन, तो ये जो छोटे छोटे आपको ब्राउन ब्राउन नजर आ रहे हैं दीज आर बोनी स्पेक्यूल फॉर्मेशन, तो थिन ब्लड वेसल, पेल ऑप्टिक डिस्क एंड क्लम्पिंग ऑफ पिगमेंट, रेटिना पिगमेंट दैट इज नोन एज बोनी स्पेक्यूल फॉर्मेशन, ये सब आपको बताएंगे कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। विद दैट रेटिना एंड्स, थैंक यू।